गोंडा में 11 अक्टूबर को राम जानकी मंदिर के पुजारी पर हुए हमले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि जमीन हथियाने के लिए मंदिर के पुजारी ने खुद साजिश रच अपने ऊपर गोली चलवाई थी। इतना ही नहीं, विपक्षियों को फंसाने के लिए मंदिर के पुजारी सीताराम दास और सम्राट दास ने शूटर को पैसे दिए। पुलिस ने साजिश में शामिल ग्राम प्रधान समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। 11 अक्टूबर को जो यहाँ पे एक साधु को गोली लगने की मामला थी, उसका सफल अनावरण किया गया है और इसमें मुख्य साजिशकर्ता सीताराम दास और उस गांव का प्रधान विनय सिंह के साथ साथ कुल 7 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें एक अभियुक्त जो सम्राट दास है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसे गोली लगी थी, और एक अभियुक्त सूरज फरार है। इसमें इन्होंने गलत नामजदगी कराई थी दूसरे को फंसाने के लिए, जमीनी विवाद और प्रधानी का चुनाव जो था इसके उद्देश्य से फंसाने के लिए गलत नामजदगी की गई थी। इसमें असलाहा जो प्रधान के दोनों बेटे हैं नीरज और सूरज, उन्होंने सप्लाई किया था। गोली पुजारी को मुन्ना ने मारी थी और उसके साथ सोनू भी असलाहे के साथ वहां गया था, और इस तरह एक पूरी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश किया। और जैसा मैंने बताया, 7 लोग गिरफ्तार हैं, एक पे हमारी निगरानी है क्योंकि वो हॉस्पिटल में अभी एडमिट है जो चोटिल है, और एक फरार है, जल्दी हम उसको गिरफ्तार करेंगे। पुलिस की जांच में सामने आया है कि दोनों पुजारियों ने गांव के प्रधान से मिलकर इस पूरे गोलीकांड की साजिश रची। दोनों पुजारी विवादित जमीन पाना चाहते थे। वही प्रधान को आगामी पंचायत चुनाव में विपक्षी के फंसने पर आसानी से दोबारा प्रधान पद जीतने की लालसा थी। अब पुलिस बेकसूर लोगों पर दर्ज मुकदमा वापस लेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोंडा से ओमचंद शर्मा की रिपोर्ट।